236 चल रहा है शेयर प्राइस, 285 से इनकी खरीदारी है। वहां से देखिए तो स्टॉक करीबन 17% नीचे की तरफ गिर चुका है, जो कि डीएमए लेवल होते हैं 50, 100, 200 उसके भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहां पर कुछ रिवर्सल के साइंस बन रहे हैं? जी, चार्ट को देखते हुए अभी तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन नहीं लग रहा है, एक इमीडिएट रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 250 के आसपास, और मुझे लगता है जब तक ये 250 के नीचे ट्रेड करेगा तब तक एक सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है इस स्टॉक में। हालांकि निचले स्तर पर 229 से लेकर 215 तक एक सपोर्ट भी है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा नीचे तो यहाँ से नहीं जाएगा, लेकिन जो अपसाइड का मोमेंटम है वो 250 के ऊपर ही स्टॉक गेन कर सकता है। अगर 250 के लेवल्स को ये क्रॉस करता है तो वहां से हमें जो नेक्स्ट हर्डल दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 270 पर, उसके बाद जो है वो है 295 पर। सो अपसाइड के ऊपर भी हर्डल्स हैं और जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 229 से लेकर 215 तक। सो ओवरऑल मुझे रेंज बाउंड मूव लग रहा है भेल में आने वाले समय में।